हमारे साथ अन्वय मानपड़ी जी हैं, जो बीजेपी के एक लीडर हैं। जो है अभी आप लोगों को जैसे पता होगा कि बहुत सारे स्कैम जो है आपके सामने आ रहे हैं, और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर भी IMA स्कैम, एम्बिडेंट स्कैम, हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पे धोखा, जो हमारे अपने ही लोग जो है हमारे दुश्मन बने बैठे हैं, वैसे एक जो है स्कैम जो है वक्फ बोर्ड के नाम से स्कैम चल रहा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं अनवर बनपाड़ी जी से। जी अस्सलाम वालेकुम अनवर जी, आप थोड़ा तफसील से बताइए कि ये वालेकुम जो सलाम। सिलसिला है, जो ये आप जो बता रहे हैं वक्फ बोर्ड स्कैम का, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये बहुत साल से ये जी बहुत सारे हमारे वक्फ प्रॉपर्टी को जी गपलस करके आए जी बहुत साल से। अच्छा जब मैंने 2012 में जी माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बना, जी तब मेरे मेरे को बहुत सारे लेटर एड्रेस हुए थे। वो जी लेटर्स में जो बहुत सारे हमारे वक्फ प्रॉपर्टी को जी घपला होने का सूचन दिए थे, अच्छा आपको कंप्लेंट्स आए थे? इसके अच्छा वास्ते मैं, हाँ उसके वास्ते मैं पहले बीदर गए थे। बीदर जाने में उधर जो रवि होते होते ही कुछ लोग बताया, जो बीदर में जो एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, अच्छा बहुत बड़ा कब्रिस्तान, उधर का अच्छा जो जगह जगह को आप आदमी लोग गपला कर रहे हैं। ओके 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 जब मैं डीसी के लिए पूछा यही सच है क्या, उन्हें बोला, शमीर शुक्ला डीसी साहब था, इधर ये अच्छा सच है। फिर वो मीटिंग के बीच में जो लंच ब्रेक के टाइम पर हम जाके वो कब्रिस्तान को देखने गए थे, वो अच्छा अच्छा देखने पता चला बहुत सारे जो जगह वक्फ प्रॉपर्टी का घपला हो जी रहे थे, ओके 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 बहुत सारे तो एनक्रोच हो रहे थे। तब ओके ओके आके सब देखने में मेरे को पता चला, इधर बहुत सारे जो जगह को ये लैंड माफिया ने, वक्फ लैंड माफिया ने एनक्रोच कर रही, बेच रही और क्या क्या के दूसरे दूसरे काम आकर यूज कर रही करके मालूम पड़ा। मतलब आप ये कहना वो चाह रहे इतना हैं बड़ा साहब, था कि मैंने सब जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि साफ साफ कि जो वक्फ वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे थे, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए? नहीं, पेट्रोल बंक करने के लिए, वो करने के लिए, बेचने के लिए, घर बनाने के लिए, ओके सबको वो जो कुछ किसी हालत में जो वर्क प्रॉपर्टी किसी को बेच नहीं सकता, लीज को दे नहीं सकता। जी वंस ए वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ इज अ जजमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन 1995। सो ओके ये ओके देख के मैंने समझा और एक तीन चार बार इधर आना चाहिए करके। तब मैं और मेरा जो सेक्रेटरी, बहुत एफिशिएंट केस ऑफिसर, बहुत सच्चाई ईमान आदमी के जी साथ मैं उधर जाके एक 7-8 दिन उधर के कैंप करके ओके बहुत सारे ये घपला हुआ जो एनक्रोच हुआ लैंड को इन्वेस्टिगेट करने लगा। जब इन्वेस्टिगेशन करने लगने के टाइम पर मैं उसका जो सर्वे नंबर और गजट नोटिफिकेशन और एपेक्स कोर्ट रिपोर्ट, ज्यूडिशियल कमीशन रिपोर्ट, डीसी रिपोर्ट और एसी रिपोर्ट सब देखने के, जो एविडेंट इकट्ठा करके देखने में बहुत सारे घपले हुए थे। उसका ओके कारण भी दो तीन एक चार आदमी थे, वो चार आदमी में एक दो आदमी वक्फ बोर्ड के ही थे। ओके वो लोग को ऑन द स्पॉट सस्पेंड किया और एंक्वायरी रखने के लिए बोला मैंने। तब ये ओके न्यूज सब बहुत सारे चैनल में, न्यूज़पेपर में सब आ गया। और ओके उसके बाद जब मैं बैंगलोर पहुंचा है, मेरा टेबल पर एक 400 को भी ऊपर कथन थे, क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी में और पेपर में पढ़ा है जो अनवर मणिपाड़ी जी ने जाके बहुत सारे वक्फ बोर्ड एनक्रोचमेंट करने का केस पकड़ा है। ओके अब वो ओके लेटर में जो कह रहा, हमारा इधर भी वैसा हो रहा है, हमारा इधर भी वैसा हो रहा है, वैसा सब का जगह का कंप्लेंट था। ये ओके देख के ओके मैंने समझा इसको सबका एक एक इंक्वायरी करे करके, और हम एक कमिटी बना के, 3 मेंबर कमिटी बना के मैं हर जगह जाके
उधर स्पॉट इंस्पेक्शन करके वो बैंगलोर रहेगा, मैसूर रहेगा, गुलबर्गा रहेगा, बीदर रहेगा और बीजापुर रहेगा, हावेरी रहेगा, रायचूर रहेगा, दूसरा मंगलूर रहेगा, बहुत सारे जगह में जाके, उड़पी रहेगा जाके, वो सब ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन किया। अच्छा। और उसका जो डॉक्यूमेंट्स है ना, सर्वे रिपोर्ट, उसमें नंबर में क्या लिखा है, किसका प्रॉपर्टी लिखा है, वो देखा। और उसके साथ वो गजट नोटिफिकेशन हुआ, वही वो भी देखा। और उसके ऊपर जो केसा गीसा क्या रहे, तो एपीएस कोर्ट का रिपोर्ट और डीजी सबका, गवर्नमेंट ऑफिशियल का रिपोर्ट सब देखने में मालूम पड़ा कि बहुत सारे जगह जो एनक्रोचमेंट हो गए। ओके। और बहुत सारे जगह में जो बिल्डिंग सब कमर्शियल सब बना के एक एक आदमी खुद एंजॉय कर रहे बहुत सारे जगह में। और हमारे जो एक मिनट मैं आपसे एक छोटी आपको माफी चाहता हूँ स्टॉप करने के लिए। उस टाइम पे जब आपने ये रिपोर्ट निकाली थी, क्या आप उस टाइम पे पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, पॉलिटिकल पार्टी से? मैं माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन था। नहीं वो तो पता चल गया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके। इट हैज गॉट नथिंग, दे हैव गॉट टू बी वेरी इंपार्शियल to take okay. into consideration the problems of the minority, then set right. Okay. Okay. Uska, that's one of the points of being a minorities commission chairman. Okay, he has to be impartial, he's like a judge. Yes. Both such way. Yeah, okay, move ahead. If you move ahead, chain will get cut. Yeah. When you have to be in the property, जो मेडिकल कॉलेजेस बना हुआ है, प्राइवेट पीपल ने मेडिकल कॉलेज बना के लाखों करोड़ रुपया कमा रही। और उसमें दो तीन मेडिकल कॉलेज जैसा है, एक 14 क्या की इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत प्रोफेशनल कॉलेज है और कॉम्प्लेक्सेस है, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्सेस और 5-star होटल है। okay. ये सब देखने मेरे को शौक हो कि ऐसा रहे तो भी हमारा आदमी क्यों चुपके बैठा है। और हमारा आदमी खुद हमारा आदमी लोग हमारे लीडर से ये सब कपड़ा कर रहे हैं जो कौन सब ये हमारा ये वक्फ में ताल्लुक रहते हैं वो सब ये काम करने लगे थे जी, उसका जी। जो वक्फ बोर्ड का जो ऑफिसर लोग है, वक्फ का चेयरमैन है और वक्फ बोर्ड का मेंबर से और वक्फ बोर्ड में जुड़े हुए बहुत बहुत सारे हमारा लीडर से ये सब जब ये सब करने में उसका जो पार्टी का दूसरा मेंबर हमारे कौम का अलग कौम का आदमी लोग भी देखे आप लोग इतना पैसा करे हमारे को भी दे दो बोलने में क्योंकि वो ये लोग का लीडर थे वो पार्टी के लीडर थे उसको भी बहुत सारे जगह दे दिए और ये सब मैंने रिकॉर्ड किया था ये रिकॉर्ड करके करके 7,000 पेज का जो रिपोर्ट बनाया जो इस रिपोर्ट में एक गलत विचार भी मैं नहीं लिखा हूं और किसी को नीचे दिखाने के काम भी नहीं किया हूं किसने किसने सब घपला किया उसका नाम और उसके साथ एविडेंस और उसके साथ प्रूफ और किसने किसने बेनामी प्रॉपर्टी लिया उसका ये सब लिख के एक रिपोर्ट बनाया था। अब ये रिपोर्ट में मैं अब तक किसी को भी कौन कौन है रिपोर्ट में है करके बोल नहीं सकता था क्योंकि लिए जो मैं रिपोर्ट सबमिट करने के टाइम पर वो प्रॉपर्टी बनता है सरकार का प्रॉपर्टी सदन का प्रॉपर्टी होता है तब हम किसी को भी क्या भी नहीं बता सकते और किसी को वो रिपोर्ट नहीं दे सकते क्योंकि वो उसको पवित्रता खराब होता है रिपोर्ट रिपोर्ट नल एंड वॉइड होता है जिसे अब तक किसी को भी नहीं कहा था। अब जो मंडन होने के बाद ये पब्लिक डोमेनियन में आ गए अब किसी के होने से भी वो डॉक्यूमेंट मिलता है मैं सब कुछ क्या क्या है इसमें हम बोल सकते हैं बराबर कौन कौन था कैसे था सब हम बोल सकते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे पूछे जाएंगे जैसे जैसे नाम आप बोलते जाएंगे मैं कहूंगा उधर वो आगे बोल सकते हैं बोलेगा नहीं जहां तक मुझे मालूम है कौन सा गांव वाला है मैं प्रॉपर हासन डिस्ट्रिक्ट का हूँ
हसन डिस्ट्रिक्ट का, और अगर मेरे बारे में पूछेंगे तो स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के जो जॉइंट डायरेक्टर थे बिफोर 2007 हमारे नाना साहब भी थे, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ काफी हद तक। आप जो बोल रहे हैं, रिपोर्ट जो बोल रहे हैं, इससे मैं भी थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। उनका नाम के फैरोज अहमद था, खैर वो अलग बात है, लेकिन आपके ऊपर जो एलिगेशन है और इसको पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है कि ये कांग्रेस को दबाने के लिए बीजेपी की सरकार कर रही है बोल के, वैसे मैं भी जानता हूँ कि मतलब मेरे साथ भी जब भी मैं स्कैम्स एक्सपोज करता हूँ लोग ऐसे ही जो है उल्टे सीधे सवाल करके तोहमत लगा देते हैं, तो मैं आपकी भी परेशानी समझ पा रहा हूँ। आप ये जो कुछ पकड़ा जाता है वो एक पार्टी का रहेगा, क्योंकि ये वही एक पार्टी बहुत साल से 50-60 साल से हमारा राज्य में हुकुम चला रहे जी, जी। और हमारा मुसलमान लीडर सब वही पार्टी में थे और उसके कंट्रोल में और उसके अंदर में वक्त पड़ते और हर मुतवली गितवली सब उसके उसके साथ ही थे। जी, जी। जो मुतवली लोग है उसका काम है मैनेजर को कभी भी ओनर नहीं, किसी ने भी एक वर्क प्रॉपर्टी को अदा करता है वर्क बोर्ड के लिए वो प्रॉपर्टी एक मुतवली बनाता है, ये तो खानदानी मुतवली मुतवली और एवरी टाइम चेंज होने का मुतवली, ये जो मुतवली के जो काम है सिर्फ उसका देखभाल करना और उससे कितना और कैसा सफल आता है फल आता है वो गरीबों को बांटना और गरीबों को अच्छा अच्छे के वैसे काम करना। बराबर बराबर। आपका म्यूट हो गया है, माइक माइक म्यूट हो गया। अगर मुतलबी वो क्या किया जी मोड आते ही वो सुन रहे हैं ना, एक फोन आ गया इसलिए ब्लॉक क्या की हो गया। वो क्या किया मुतवली लोग वो एक जब मुतवली बनते बनते वो उसको चिस्त लगाने शुरू किया प्रॉपर्टी को, उसको जरूरत नहीं है इस पर है कि अब चिस्त किसी ने जाके भी प्रेसर ऑफिस गए तो चिस्त लेते हैं, वैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लिया पानी का कनेक्शन लिया और बाद में बोलेगा ये मेरा प्रॉपर्टी है मैं क्या करूं, वो कर सकता है। जो मुतवली बेचने गया बेचने जाने में सब रजिस्टर बोलता है बेटा ये वर्क प्रॉपर्टी है आप बेच नहीं सकता घर का, नहीं नहीं मेरा प्रॉपर्टी है मैं उसके इसके वास्ते नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वर्क डिपार्टमेंट से लाऊंगा। और जब उन्हें वर्क डिपार्टमेंट को वर्क बोर्ड को जाता है वो लोग पूछते हैं क्या कितना प्रॉपर्टी कितना पमाल का है तुम अकेले क्यों कहते हैं, सब कहेंगे सब वो वक्फ बोर्ड में जो कुछ आदमी लोग उसको भी देना पड़ता है और वो जो लीडर मुसलमान लीडर और उसका सब कंट्रोल करता है वो पार्टी कौन सा पार्टी है वो पार्टी लोग को सब देना मांगता है। ऐसे ऐसे होके ऐसे ऐसे होके मतलब लोग प्रॉपर्टी बेचने शुरू करता है। मतलब आप और जो बड़ी कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं मुतवली लोग जो देखभाल कर रहे थे और मजहब के नाम पे भी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग भी जो इसमें शामिल है। हाँ वो लोग भी शामिल है इन स्मॉल मैनर, 20% 30% मिलेगा है, बाकी सब ये बड़ा बड़ा लीडर को जाएगा। जब इलेक्शन आते आते ही जो इलेक्शन आते आते ही जो इलेक्शन का फंड्स को भी ये जो सब ये सब ये प्रॉपर्टी सब बेच के सबको बांट देते। अच्छा आपको अच्छा। मालूम रहेगा कर्नाटक में इलेक्शन को पहला जो पैसा खर्चा करने शुरू किया वो हमारा मुसलमान लोग है पहला। तब तक बहुत कम लोग पैसे खर्चा करते थे, अभी देखो स्टार्टिंग किससे किया पैसा खर्चा करने का, जाफर शरीफ ने किया, सीम इब्राहिम ने किया, ये सब पैसे किधर से आया ये सब आपको सोचने का बात है। उसका 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 बारे में भी जो सीबीआई इंक्वायरी करेगा सब कुछ बाहर आ जाएगा। ऐसे करके करके जो हमारा प्रॉपर्टी को कब्जे करके करके इलीगल कब्जे करके करके एक एक आदमी बड़ा बस सौकर बन गया और दो तीन आदमी क्या क्या वो जगह में मेडिकल कॉलेज बनाया, मुमताज अली खान जैसा आदमी मेडिकल अलमीर मेडिकल कॉलेज बनाया और गुलबर्गा में मेडिकल कॉलेज बनाया। वो उसका उसका बाप का जगह नहीं है, उसका नाना का जगह नहीं है, वो प्रॉपर्टी है जो उन्हें क्या सिर्फ मुतवली है तो उसके जो मेडिकल कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज सिर्फ
चैरिटी के वास्ते करना चाहिए था, जो गरीब मुसलमान अच्छा पढ़ने मुसलमानों को सीट देना चाहिए थे, वो एक 25% के लिए आप दे सकते हैं, क्योंकि लिए पैसा चाहिए रन करने के वास्ते, एटलीस्ट मिनिमम 75% सीट वो फ्री सीट मिलना चाहिए। तो एक सीट एक बताओ, अलमीन कॉलेज दे तो गुलबर्गा में कितने फ्री सीट दिए, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्री सीट दिए, ये बड़े बड़े लोग सेम इब्राहिम मुजाफर शरीफ वैसे नाम पूछो, सबके पास भी ये इंजीनियरिंग कॉलेज से कर्नाटका की बात करेंगे, कर्नाटका की बात करेंगे, हार्डली 16,050 लोगों ने जो है बेनिफिट उठाया है माइनॉरिटीज का, हार्डली 16,000। मेरे पास भी कुछ रिपोर्ट्स मौजूद है। वो किससे उठा करके मालूम नहीं, हमारा जो मुसलमान जो है हम गरीब नहीं है, हम सबसे बहुत अमीर कौम है, हमारे क्या होना वो कर सकते हैं, हमारे हम कभी भी ऐसा नहीं रह सकते, हम कभी ऐसे रहने वाला चाहिए था, हमारा हर मुसलमान के सर के ऊपर एक छत रहेगा, हर पढ़ने बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग सीट मिलेगा, मगर ये जो प्रॉपर्टी जो वापस आना चाहिए बराबर, ये सब कौन सा आधार में मैं बोल रहा हूँ, 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था, वो ऑर्डर के अनुसार एक बार वक्फ है तो हमेशा क़यामत तक वक्फ ही रहेगा, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, और कौन सा वक्फ प्रॉपर्टी बेच दे सकता, इधर तक हमारे के जो प्रोटेक्शन है, इवन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है ना, उड़ुओं ने वड़िया द टिलर इज ओनर, जो खेती बाड़ी करता है उन्हें उसका मालिक करके बोल के एक लैंड रिफॉर्म एक्ट आया ना, वो एक्ट में जो हमारा टेनेंट एक्ट में जो हमारा प्रॉपर्टी गए ना वो भी नहीं होता, अच्छा प्रॉपर्टी टेनेंट एक्ट में भी नहीं जाता, मतलब कोई रिकवर नहीं कर सकता प्रॉपर्टी ले, तो कौन भी नहीं ले सकता, रिकवरी नहीं हो, रिकवरी करना पड़ेगा, तो टेनेंट एक्ट में जो किसी ने भी प्रॉपर्टी लिए तो वो वापस लेना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वही तो वो सुप्रीम कोर्ट का आधार में हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट में 2013 में जब बीजेपी था, छह एक्ट लाए, छह विधायकों को लाए, वो विधायक के अनुसार हर प्रॉपर्टी वापस लाने के जिम्मेदार गवर्नमेंट के होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीसी चेयरमैन होके होता है, स्टेट लेवल में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टास्क फोर्स का हेड होता है, अब मुसलमान सिर्फ इतना ही करना है, देखो भैया ये हमारा ये प्रॉपर्टी सर्वे रिपोर्ट में आए, सर्वे रिपोर्ट आके ऐसा ऐसा दरगाह का प्रॉपर्टी है, और ये गजर नोटिफिकेशन भी हुआ है, और ये हमारे को मिलना चाहिए, बोले तो उसका ड्यूटी रहता है वो जाके वो डिस्ट्रिक्ट जज नहीं तो हाईकोर्ट जज के लिए बात करके केसी डालने की जरूरत नहीं है, ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पकड़ के और हमारा कर्नाटका गवर्नमेंट का एक्ट पकड़ के उधर से चुड़ा के वापस लाना है, अच्छा, सिर्फ वापस अच्छा। लाने के नहीं, एक प्रॉपर्टी वो बिल्डिंग से वो प्रॉपर्टी से एक चेयर भी नहीं ले सकता है, एक स्क्रू भी नहीं वापस नहीं ले सकता है, लॉक स्टॉक एंड बैरल सब कुछ वापस देना है, मेडिकल कॉलेज तो वापस देके वो हम मेडिकल कॉलेज चलाना है, और हमारे गरीब लोग को मेडिकल शिक्षण मिलना चाहिए उचित रूप से, ये वक्फ का मैंने ये वक्फ का डेफिनेशन है, और जो ये लोग कर रहे हैं बड़े बड़े लोग सब जो किया है सब लोग ने उसे उसके नाम का उसके जोरों के नाम पे उसके अम्मा के नाम पे, अब बड़े बड़े लोग जो बात करते हैं क्या इसमें एमपी नासिर अहमद का नाम भी है, हेलो किसका, निसार अहमद एमपी मैम, हेलो सुनाई दे रहा है, इसका नाम निसार अहमद एमपी याद नहीं मेरे को शायद रहेगा, सुनाई दे रहा एमपी पता नहीं है मेरे को उसके नाम पे है क्या नहीं,
आपका कट हो गया, हारिस का दाम पे है। अच्छा, एन ए हैरिस, फिर आर रोशन बेग, आर अब है देखो। अच्छा। क्या करते हैं बहुत लोग, बहुत शाना लोग है वो, बेनामी बेनामी के नाम पे लेता है। अच्छा, अब सीबीए में हैंडल करे तो ये प्रॉपर्टी, बी प्रॉपर्टी, सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी के मालिक कौन पूछे तो वो सामने आना चाहिए, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन करने मालूम पड़ेगा ये मेरा इसका बेनामी प्रॉपर्टी है। उधर भी है जो ये लोग में सब बेनामी बेनामी नाम से ये प्रॉपर्टी लिए, बहुत सारे लोग उसका खुद का नाम, हारिस ने उसका बीवी और उसका माँ के नाम पे लिया है, और वही काम सेम इब्राहिम किया है, और कमर इस्लाम वैसा किया है, कमर इस्लाम रिकॉर्ड पकड़ के लिए मार्केट में सेल कर। जमीर अहमद खान का हाथ है, जमीर अहमद खान पता नहीं मेरे को, मेरे याद में जमीर का, जमीर अहमद का इसमें नहीं है, इसमें उसका नाम नहीं आया है। ओके ओके, वैसे भी उस दौर पे ज्यादातर रोशन बेग, रहमान खान, उबैदुल्ला इनका ही था उस टाइम पे जो जी, कमरुल इस्लाम एंड इकबाल सरेडकी और सूर्यवंशी जी, सूर्यवंशी और धर्म सिंह, अजीज सेठ, सेठ, तो कौन सा नाम बोलते, वो नाम सब है इसमें। ओके, अभी आवाम आवाम से आप क्या चाहते हैं कि मतलब आवाम को क्या करना चाहिए इस सूरत पे, अभी जब ये वक्फ बोर्ड का जो स्कैम है ये टेबल हो चुका है। मैं ये जो एक मेरा भाई बहन को, मेरे छोटे भाई बड़े भाई मुसलमान को ये मैं विनती कर रहा हूँ जी, जैसे रोते हुए बच्चे को माँ दूध पिलाता है, वैसे जो हमारा जो प्रॉपर्टी हमारे कौम को जो मिलना चाहिए, हमारे कौम का बच्चे लोग इंजीनियरिंग डॉक्टर से पढ़ना चाहिए, हमारे कौम का लोग सर के ऊपर छत रहना चाहिए, उसके वास्ते हम लोग सब सब इकट्ठा होके हमारा मांग हमारा मांग पूरी करो आंदोलन करना चाहिए, हमारा मांग पूरी करो, हमारा प्रॉपर्टी हमारे वापस दे दो, वक्त प्रॉपर्टी हमारा हक है, वापस दे कर पूछना चाहिए। हम जब वैसे ही बैठ को हमारा लीडर बैठ को बैठे तो कुछ नहीं होने वाला है जी, जी, जो हम सब मिलके है। अब वो बोलते हैं अनवर मणि पाटी बीजेपी है, वो ये है, उधर बैठ के लिखा है, क्यों वैसा बस बोलते हैं, मंडन हो गए ना, एक एक प्रॉपर्टी का हिस्सा लेंगे, कौन 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 चोर कौन कौन अच्छा मालूम होते है ना, पानी का पानी दूध का दूध, सीबीआई को अगर किया इन्वेस्टिगेशन अगर हो गया कौन चोर है मालूम पड़ जाएगा, अगर चोर नहीं है तो साबित हो जाएगा, इसमें डरने की क्या बात है, अगर मान लीजिए कि कोई कांग्रेस के नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है। आपने बहुत सच्ची बोला, बहुत सही बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हम सब मिलके ये छोटा मोटा एजेंसी को देने का हम नहीं छोड़ना है, सिर्फ सीबीआई को ही देना है, सीबीआई के देखो सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन में आता है जी, वो सच सच बाहर निकलेगा, सब बाहर निकले में हमारा प्रॉपर्टी किधर किधर मालूम होएगा। टोटली हमारे पास 54,000 एकड़ जगह था, उसमें अब 29,000 एकड़ जगह नहीं है, ये घपला होकर है। अब जब मैंने रिपोर्ट दिया था तब का हमारा प्रॉपर्टी को वैल्यू था 2,30,000 करोड़, 2,30,000 करोड़ का प्रॉपर्टी गपड़ा हुआ है, वो तो 8-9 साल पहले की बात है, लेकिन आज के हिसाब से तो वो ज्यादा हो जाएगा, वो सब रजिस्ट्रार का वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं है। अच्छा, और जब अच्छा। जब मैंने जो रिपोर्ट दिया था तब 2,30,000 करोड़ था, रिपोर्ट देने के बाद और बहुत सारे लोग उड़ गए, उड़ के वो लोग भी आके मेरे को डॉक्यूमेंट देने शुरू किया, उसको सब एक 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 काउंट किए तो 3-4 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी हो जाएगा, वो मार्केट रेट जो है ना 8 साल पहले, वो भी मार्केट वैल्यू अलग होगी ना, आज का सब रजिस्टर वैल्यू भी अलग हो जाएगा, मार्केट वैल्यू अलग हो जाएगा, मार्केट वैल्यू तो 20 और 30 लाख करोड़ हो जाएगा।
जी, अगर ये मान लीजिए कि अगर ये आवाम के हाथ में आ गया, इसको सही से इस्तेमाल किया, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि मुसलमान गरीब हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। वही यही बात मैं पिछले 8 साल से बोल के आ रहा हूँ। हर जी जी मुसलमान के सर के ऊपर एक छत रहेगा, हर मुसलमान इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, हर मुसलमान हॉस्पिटल बिना दवा बिना नहीं मरेगा। जी जी देखो भाई, जी एक एक सिंपल बात बोलता हूँ। हमारे जो बैंगलोर में 602 acres बेल्लाहली में सर्वे नंबर 55, जी 600 acres का पैसा कितना होगा हिसाब करो बैंगलोर में। और 4 एकड़ जो विंटर मैनर 5-स्टार होटल है जी, सीएम के घर के बाजू, वो होटल की वैल्यू कितना रहने बोलो। ये सब हिसाब डाल के जाओ। और एक एक जगह में जो प्रॉपर्टियां है, हॉपकॉम्स लालबाग के पास हॉपकॉम्स एक बड़ा प्रॉपर्टी है, वो हर जगह में ऐसा प्रॉपर्टी है जी। अब मेरे जी, साथ आने दो, सब आने दो। अब रहमान खान और अलीबाबा है, मेरे सामने बैठ के मेरे को बात करने दे, हिसाब किताब लेके मैं बोलूंगा। उन्हें बोलता है मैं सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इसे मैं कुछ मैं सिर्फ मैं जो विंडसर मैनर का एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया और कुछ नहीं किया। इसलिए लगता है उन्हें कितना बड़ा चल रहा है। एग्रीमेंट उन्हें ड्राफ्ट किया, कैसा ड्राफ्ट किया, हमारा मुसलमान को धोखा देकर विदाउट मालूम भी जैसे क्या ड्राफ्ट करके कैसे 5,000 रुपए का ड्राफ्ट किया। अब 5 लाख क्या की देने वाले देने हैं वो अलग बात है, बराबर वो अब दे ले से क्या है। अब वही विंटर मैनर वो लोग हार के कितने साल हो गया जी। अब तक जीता नहीं है वो। अब हमारे पास आना था वो उसका प्रॉपर्टी चले गया बोल के, और दूसरा हॉस्पिटल दूसरा बड़ा होटल भी बनाया है। अच्छा, अब हम वो वैसा लेना है, वैसा जगह मिले तो हमको। नहीं, आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास इसका प्रूफ है? जरूर, जो कुछ मैंने 7,000 पेज में किया, हर 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 प्रॉपर्टी का प्रूफ है जी। जी, हर हर प्रॉपर्टी का प्रूफ है। आपको होना तो आप किसी को भेजिए जो मैं उसका सीडी देखो। मैंने रिपोर्ट दिया था जी, मैं वो एक फोन पेज का रिपोर्ट दिया, उसके साथ एनेक्शर गिनेक्शर सब डाल को 7,000 का एकम्प्रीमेंट दिया। 7,000 प्रूफ्स एविडेंसेस डीसी रिपोर्ट डिजिटल कमीशन रिपोर्ट दूसरा केस रिपोर्ट सब दिए था। वो पढ़ने के बहुत मुश्किल हो गया करके बोल के सब सीडी भी दिए था जी। मैं 700 वो कॉपी और ये सीडी भी दिए था। अब परसों देने में वो सीडी नहीं है। अच्छा, सीडी नहीं है और दूसरा और मेरा ओरिजिनल जो रिपोर्ट प्रिंट करके नहीं दिया है जी। जी, जो कुछ मैंने दिया है, जो हमारा जो हमारे जो बहुत ऑफिसर्स लोग है ना उसमें शामिल है। अच्छा, हमारा अच्छा। हमारा ये भी इब्राहिम जो माइनॉरिटी वेलफेयर का जो सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा चोर है। अच्छा, उन्होंने जो घपला किया है ये, जब ऐसा 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 ये केस होने के संदर्भ ये सब रहने के टाइम पर परसों दावणगेर में उन्हें एक बड़ा जगह को पेट्रोल बंक को दिया है। अच्छा, कैसे हो सकता है? बराबर, कैसे होता है? नहीं, आप इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हैं, आपको कोई थ्रेट तो नहीं आया है? अरे, थ्रेट तो हर रोज आता है। मैं घर से बाहर शाम से बाद नहीं निकलता हूँ। दुबई से मेरे को फोन आ रहे, तुम जा केयरफुल रहो, बाहर मत जाओ, कभी भी तुम्हारा डेंजर है जी, वो अलग बात है। अच्छा। अब मैं ये बात क्यों बोला करको, देखो वो एक पेट्रोल बंक ने दिया जी, डे लेट रॉबरी, एक सीईओ ने जुल्फिकर करके बोल के 4.5 करोड़ रुपए बैंक से लूटा है, चिंतामणि विजया बैंक से लूटा है। अच्छा अच्छा, उसका अच्छा, प्रूफ है। अच्छा अच्छा, उसका रिपोर्ट क्यों एबी इब्राहिम ने नहीं किया? चीफ अच्छा, सेक्रेटरी भास्कर जी ने क्यों नहीं किया? चीफ सेक्रेटरी भास्कर भी इसमें शामिल है क्या, मुझे डाउट आता है। उसके पास बहुत सारे कंप्लेंट दिया हूं मैं, अभी नहीं ठीक नहीं किया जी। ऐसा ऐसा बहुत लोग इब्राहिम और इस्लाउद्दीन, जो हमारा गरीब मुसलमान को जो अरीब योजना में जो पैसे देना था
बेनामी नाम से 50 करोड़ तक उन्हें लूट लिया, उसका ऊपर केस भी हो चुका है, पुलिस केस दर्ज किया है उसके, क्या उसके बारे में भी इंक्वायरी करके इमरान कुछ नहीं बोला। अच्छा, उन्हें भी शामिल है, ये सब गपला हमारा माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट अधिकारी लोग और हमारा माइनॉरिटी का लीडर वक्फ बोर्ड सब मिलके हो रहा है। अब पहली ये होना वक्फ बोर्ड होना चाहिए। मानपाड़ी जी माफी चाहता हूँ वक्त की कमी की वजह से, आपने आंदोलन का नाम लिया, इसके लिए आपने कुछ वक्त और कुछ तय किया है जिससे आपको आवाम जो है आपके साथ देने के लिए अगर तैयार हो तो कैसे करेंगे? अब आदमी लोग हम आप भी लोग इकट्ठे होके हमारे साथ रहे तो हम उससे आई विल लीड देम फ्रॉम द फ्रंट। जी सामने से मैं उसको लेके जाऊंगा हर जगह। मान लीजिए कि आपने हमारा हमारा हमारे कौम लोग उठना चाहिए। जी आपने कुछ तैयार किया है कि जरूर जरूर हमारा साथ ये आंदोलन करने के लिए एक आदमी को भी तैयार किया है, वो कन्वीनर है उसको सलाम सलाम भाई। जी सलाम भाई मानपाड़ी जी, आज जो वक्त की कमी की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ आज इसको यहीं पे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि आवाम को भी जो है मैसेज पूरा जाना चाहिए, अगर मैं लंबा खींचूंगा तो पूरा मैसेज नहीं जाएगा। हाथ जोड़ के सलाम करके विनती कर रहा हूँ हमारा 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 भाई लोग के लिए, भाई लोग नींद से उठो, हमारा जो प्रॉपर्टी हमारा जो हक वापस ले, हमारा मांगे पूरी करने के लिए हम एक हड़ताल करें, स्ट्राइक करें। ये मैं सब मुसलमानों को विनती कर रहा हूँ। जी इंशाल्लाह मैं भी आपका साथ दूंगा और आवाम भी इंशाल्लाह तैयार करेंगे, आपको भी जरूरत पड़ेगी लोगों की, हम इसको एक डेट तैयार करके इंशाल्लाह अगले वीडियो में आवाम के पास हम पहुंचाएंगे, उस डेट के हिसाब से हम लोग कुछ प्लान करेंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों में हम लोग, आप मुझे बताइए कि कुछ तारीख मुकम्मल करके इस तारीख को हम लोग कुछ तारीख बना सकते हैं आंदोलन करके, ऐसा कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी आपको जो है कांटेक्ट करेंगे और दोबारा से जो बाकी का जो आप और कुछ बताना चाह रहे हैं मुझे मालूम है, वक्त के कमी की वजह से मैं भी नहीं चाहता कि लोग जो है इसको जो है आगे का जो मेन जो चीज आप बात करना चाहते हैं उसको ना देखे, इसकी वजह से हम और एक वीडियो बनाते हैं और एक दिन मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही है, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ के साथ अनवर मानपाड़ी जी जो कह रहे हैं इसमें जो है हो सकता है सच भी हो सकता है इसमें झूठ भी हो, लेकिन इनकी जो मांग है इनकी जो डिमांड है वो है सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, अगर कोई गलत है तो उसको सजा मिलेगी, अगर नहीं है तो डरना क्यों है। मैं चाहता हूं कि जिन जिन लीडरों के नाम अनवर मानपाड़ी ने लिया है यही लोग डिमांड करें कि सीबीआई को इंक्वायरी हो और इसकी सच्चाई सब हाजिर है। जी तो इंशाल्लाह आपका इंतजार रहेगा, अगले एपिसोड में मैं दोबारा अनवर मानपाड़ी से वक्त लेके दोबारा से मैं आऊंगा।